विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज पृथक विदर्भ की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। साथ ही इस दौरान विधान भवन पर पृथक विदर्भ का झंडा फहराने की कोशिश आंदोलनकारियों द्वारा की गई। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने पिछले कई वर्षों से स्वतंत्र विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए विभिन्न मंचों पर मांग कर 12 वर्षों तक लगातार कई सार्वजनिक आंदोलन कर विदर्भ राज्य की मांग को तेज कर दिया। अब विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा आज नागपुर के विधान भवन में स्वतंत्र विदर्भ राज्य का झंडा फहराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया है। आज की रणनीति ऐसी है कि 119 साल से चल रही जंग हमको ये साल खत्म करना है और नई सरकार जो आई है केंद्र में उनको चुनौती देने के लिए हमने ये लॉन्ग मार्च अरेंज किया है और उनको ये लगा बोलना है हम वहाँ जाके ध्वजारोहण करेंगे, विदर्भ का ध्वज लगाएंगे और ऐलान करेंगे कि अगली बार विदर्भ की सरकार, ये चेतावनी के लिए ही आंदोलन है। ये चुनाव के पहले और पुराने चुनाव के बाद और नए चुनाव के पहले दोनों के बीच है, दो सांडों की टक्कर में जैसा फेंसिंग का छुरा लगा होता है ना, ऐसा आंदोलन है। और हमको किसी भी हालत में ये आंदोलन, ये राज मिलाकर नए जनरेशन के हाथ में देना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये होने वाला राज, ये राज है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने खुद को बेड़ियों में जकड़कर सलाखों के पिंजरे में बनकर यह आंदोलन किया। स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाने और विदर्भ के नागरिकों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए नई केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए समिति ने आज 10 अगस्त 2024 को फिर महाराष्ट्रवादी चले जाओ के नारों के साथ बुगुल फुका है। यशवंत से स्टेडियम से विधान भवन तक पैदल मार्च करने जा रहे हैं स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर। हमारी स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग अनेक सालों से 119 सालों से है हमारी मांग, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है। दार आयोग, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग सबने बोला था कि विदर्भ राज्य होना चाहिए, फिर भी अभी तक क्यों हमारा विदर्भ राज्य नहीं हुआ, हमको ये पूछना है सरकार से। और हमें अभी जल्दी की जल्दी हमें हमारा विदर्भ राज्य चाहिए। आज कटघर में इसलिए हो क्योंकि अभी तक हमको कटघर में ही रखा है, आज तक हमको आजादी नहीं मिली है। सबको आजादी मिली मगर हमारे विदर्भ को आज तक आजादी नहीं मिली है और हम कटघर में है। हम दिखाना चाहते कि आज भी हम कटघर में है, आज भी हम लोहे की सलाखों में, ये विदर्भ चंडी का माता उसको लोहे के सलाखों में बांध के रखा है, उसको अभी खुला करना है। सब जनता को आह्वान है कि सब लोग इसमें आ जाए आंदोलन में और विदर्भ राज्य को आजाद करे, सब युवकों सब महिलाओं को, यही मेरा आह्वान है। इस आंदोलन के दौरान विदर्भ से कार्यकर्ता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि आंदोलन में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त देखा गया। ये आंदोलन यशवंत स्टेडियम से शुरू होकर संविधान चौक पर खत्म हुआ है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज जो है मार्च निकाला गया पृथक विदर्भ की मांग को लेकर, और साथ ही आज जो उनका एक मानस था कि विधान भवन पर झंडा फहराएंगे स्वतंत्र विदर्भ का, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये गणेश टेकड़ी वाला ये रोड है और विधान भवन के पहले ही जो है इन्हें हिरासत में लिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। आप देख पा रहे हो कि पुलिस का यहाँ पे तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा है हमें, साथ ही साथ जो भी आंदोलनकारी है उन्हें यहाँ रोका गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ किया गया है ताकि विधान भवन परिसर तक कोई आंदोलनकारी ना पहुंच पाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।